शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों, चतुर्थ पाठ कंप्लीट होने के बाद में आज हम शुरू करने जा रहे हैं पंचमह पाठ है पांचवा पाठ, जिसका नाम है प्रदूषणम प्रदूषण। तो यहाँ कुछ छात्र और छात्राएं प्रदूषण के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं, तो उसी वार्तालाप को हम आज देखते हैं कि छात्र और छात्राएं इसके बारे में क्या वार्तालाप कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, केचन छात्राः प्रदूषणस्य विषये चर्चां कुर्वन्ति। केचन छात्राः, कुछ छात्र प्रदूषणस्य विषये, प्रदूषण के विषय में चर्चां कुर्वन्ति, चर्चा कर रहे हैं। कुछ छात्र प्रदूषण के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और यही आपको बताया गया है अभी। अब देखिए चर्चा क्या कर रहे हैं। सबसे पहले भव्या, पश्यतु अमन, हे अमन देखो, हे अमन देखो, नद्यः जलम कियत् प्रदूषितम् अस्ति। नद्यः जलम, नदी का जल कियत्, कितना प्रदूषितम् अस्ति, प्रदूषित है। नदी का जल कितना प्रदूषित है। अमन देखिए, अमन कहता है आम, हाँ, जलम तु बहु प्रदूषितम् अस्ति, जल तो अत्यधिक प्रदूषित है, जल तो अत्यधिक प्रदूषित है। जनाः नद्याम एव अवकराः पुष्पाणि आदिये क्षिपन्ति। जनाः, लोग, नद्याम एव, नदी में ही, अवकराः कूड़ा, पुष्पाणि ही, पुष्प, आदिये क्षिपन्ति, आदि फेंकते हैं। लोग नदी में ही कूड़ा, पुष्प आदि फेंकते हैं। राधिका देखो क्या बोलती है, पश्यतु देखो, जनाः प्लास्टिक सूतम अपि नद्याम एव क्षिपन्ति। जनाः, लोग, प्लास्टिक सूतम अपि, प्लास्टिक का थैला भी, नद्याम एव क्षिपन्ति, नदी में ही फेंकते हैं। देखो लोग, प्लास्टिक का थैला भी नदी में ही फेंकते हैं। तो देखिए अमन क्या कहता है, न केवलम तावत, न केवल यही, नद्या समीपे एव उद्योगशालाः सन्ति। न केवलम तावत, न केवल यही, या न केवल इतना ही, नद्याः समीपे एव, नदी के पास में ही, उद्योगशालाः सन्ति, कारखाने हैं। नदी के पास में ही कारखाने हैं। ततः प्रदूषितम जलम अपि अस्याम नद्याम में प्रविशन्ति। ततः उनका प्रदूषितम जलम, दूषित जल, अपि भी अस्याम नद्याम एव, इस नदी में ही प्रविशन्ति, प्रवेश करता है। उनका दूषित जल भी इस नदी में ही प्रवेश करता है। तो देखिए भव्या कहती है, आम, हाँ, एतत् जलम तु विषयुक्तम अस्ति। एतत् जलम तु, यह जल तो विषयुक्तम अस्ति, जहर से युक्त है। यह जल तो जहर से युक्त है। अस्य जलस्य पानेन एव जनाः रुग्णाः भवन्ति। अस्य जलस्य, इस जल के, पानेन एव, पीने से ही, जनाः, लोग, रुग्णाः भवन्ति, बीमार होते हैं। इस जल के पीने से ही लोग बीमार होते हैं। अब प्रतीक देखिए क्या कहता है, न केवलम जल प्रदूषणम अपितु वायुः प्रदूषणम ध्वनेः प्रदूषणम अपि च अपि रोगाणां कारणम अस्ति। न केवलम, न केवल जल प्रदूषणम, जल प्रदूषण, अपितु वायुः प्रदूषणम, वायु प्रदूषण, ध्वने प्रदूषणम च अपि, और ध्वनि प्रदूषण भी रोगाणां कारणम अस्ति, रोगों का कारण है। न केवल जल प्रदूषण अपितु वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण भी रोगों का कारण है। तो राधिका देखो क्या कहती है, वायोः प्रदूषणम ध्वने प्रदूषणम कथम भवति। वायु प्रदूषणम, वायु प्रदूषण, ध्वने प्रदूषणम और ध्वनि प्रदूषण कथम भवति, कैसे होता है। वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है। अन्यो कारणम किम अस्ति, इसका क्या कारण है। अन्यो कारणम किम अस्ति, इनका क्या कारण है। तो प्रतीक कहता है, प्रदूषणस्य मुख्य कारणम तु जनसंख्या एव अस्ति। प्रदूषणस्य,
प्रदूषण का मुख्यम कारणम तु, मुख्य कारण तो जनसंख्या एव अस्ति, जनसंख्या ही है। प्रदूषण का मुख्य कारण तो जनसंख्या ही है। अन्यत्र कारणम अस्माकम् अशिक्षा अस्ति, अन्यत्र कारणम दूसरा कारण अस्माकम् हमारी अशिक्षा अस्ति, अशिक्षा है। दूसरा कारण हमारी अशिक्षा है अर्थात पढ़ा लिखा नहीं होना, दूसरा कारण हमारी अशिक्षा है। अस्माकम् देश है प्रगतिपति अग्रसर अस्ति, अस्माकम् देश है हमारा देश प्रगतिपति प्रगति के रास्ते पर अग्रसर अस्ति, अग्रसर है हमारा देश प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है। उद्योगशालाः वर्धमाना सन्ति, उद्योगशालाः कारखाने वर्धमाना सन्ति बढ़ रहे हैं, कारखाने बढ़ रहे हैं। यानानि वर्धमानानि सन्ति, वाहन भी बढ़ रहे हैं। उद्योगशालानां धूमः आकाशे प्रसरन्ति, यानानां अपि धूमः प्रदूषणं जनयति। उद्योगशालानां कारखानों का धूमः धुआं आकाशे प्रसरन्ति, आकाश में फैलता है। कारखानों का धुआं आकाश में फैलता है। यानानां अपि धूमः, वाहनों का धुआं भी प्रदूषणं जनयति, प्रदूषण पैदा करता है। कारखानों का धुआं आकाश में फैलता है, वाहनों का धुआं भी प्रदूषण उत्पन्न करता है। उद्योगशालानां वाहनानां च उच्च ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण जनयति। उद्योगशालानां कारखानों के वाहनानां च, वाहनों का उच्च ध्वनि जोर की आवाज या जोर का शोर ध्वनि प्रदूषणं जनयति, ध्वनि प्रदूषण पैदा करता है। कारखानों के वाहनों की उच्च ध्वनि जोर की आवाज ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। कारखानों के वाहनों की उच्च ध्वनि ध्वनि प्रदूषण पैदा करती है। वायु प्रदूषणेन अनेके रोगाः भवन्ति, वायु प्रदूषणेन वायु प्रदूषण से अनेके रोगाः भवन्ति, अनेक रोग होते हैं। वायु प्रदूषण से अनेक रोग होते हैं। अनेन सर्वाधिक श्वास रोग है भवति, अनेन इससे सर्वाधिक है सबसे अधिक श्वास रोग है भवति, श्वास संबंधी रोग होता है। इससे सर्वाधिक या सबसे अधिक श्वास संबंधी रोग होता है। हृदय रोगस्य अपि मुख्य कारणम प्रदूषणम एव, हृदय रोगस्य अपि, हृदय रोग का भी मुख्य कारणम मुख्य कारण प्रदूषणम एव, प्रदूषण ही है। हृदय रोग का भी मुख्य कारण प्रदूषण ही है। तो देखो भव्या कहती है सर्वकारे अपि किमपि न करोति, सर्वकारे अपि सरकार भी किम अपि न करोति, कुछ भी नहीं करती है, सरकार भी कुछ भी नहीं करती है। तो अमन कहता है सर्वकार्य तु नियमान निर्मितान निर्मितवान अस्ति, सर्वकार्य तु सरकार तो नियमान नियमों को निर्मितवान अस्ति बनाने वाली है, सरकार तो नियमों को बनाने वाली है, किंतु जनाः तान नियमान सम्यक्तया न पालयन्ति, किंतु लेकिन जनाः लोग तान नियमान उन नियमों को सम्यक्तया अच्छी तरह से न पालयन्ति, नहीं पालते हैं। सरकार तो नियमों को बनाने वाली है लेकिन लोग उन नियमों का अच्छे तरीके से पालन नहीं करते हैं या उन नियमों को अच्छे तरीके से नहीं पालते हैं। तो देखिए राधिका कहती है सत्यम सत्य है, अस्माकं प्रधानमंत्री अपि स्वच्छता विषये प्रयास माने अस्ति, अस्माकं प्रधानमंत्री अपि हमारे प्रधानमंत्री भी स्वच्छता विषये स्वच्छता के विषय में प्रयास माने अस्ति, प्रयास मान है अर्थात लगे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी स्वच्छता के विषय में प्रयास मान है। अनेके कार्यक्रमः तेन उद्घोषिता, अनेके कार्यक्रमः अनेक कार्यक्रम तेन उद्घोषिता
उनके द्वारा किए गए, अनेक कार्यक्रम उनके द्वारा किए गए, किंतु यावत् वयम् अस्याः समस्यायाः विषये न चिन्तयामि तावत् प्रदूषणं दूरं कर्तुं न शक्नुमः। किंतु लेकिन यावत् जब तक वयम् हम सब अस्याः समस्यायाः इस समस्या के विषये विषय में न चिन्तयामि नहीं सोचते हैं तावत् तब तक प्रदूषणं प्रदूषण को दूरं कर्तुं न शक्नुमः दूर नहीं कर सकते। लेकिन जब तक हम सब इस समस्या के विषय में नहीं सोचते हैं तब तक प्रदूषण को दूर नहीं कर सकते। सर्वे मिलित्वा सभी मिलकर, सभी कौन? जो छात्र और छात्राएं वार्तालाप कर रहे हैं वे सभी, सभी मिलकर अद्य वयम अवकरान प्लास्टिक सूतान चैतस्तत न शिपामे। अद्य आज से वयम हम सब अवकरान कूड़े को प्लास्टिक सूतान से और प्लास्टिक के थैलों को इतस्तत न शिपामे इधर उधर नहीं फेंकेंगे। आज से हम सब कूड़े को और प्लास्टिक के थैलों को इधर उधर नहीं फेंकेंगे। अन्यान अपि अस्य विषय बोधिया में, अन्यान अपि दूसरों को भी अस्य विषय बोधिया में इस विषय के बारे में समझाएंगे, दूसरों को भी इस विषय के बारे में समझाएंगे। अस्माकम लक्ष्यम भवेत, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अस्माकम लक्ष्यम भवेत, हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्वच्छम भारतम श्रेष्ठम भारतम, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। तो विद्यार्थियों ये था आपका पंचम पाठ है प्रदूषण। तो इसके बारे में, प्रदूषण के बारे में इसमें बताया गया है प्रदूषण कैसे कैसे होता है और हमें इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो भावार्थ आपको कॉपी में करना है, वीडियो देखें और भावार्थ कंप्लीट करें। धन्यवाद।